Please take a moment to subscribe by pressing the bell icon on the YouTube app to never miss another update from Bolly to Box. शाहरुख खान की फिल्म जीरो को रिलीज हुए 11 महीने हो चुके हैं और इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद किंग खान ने कोई भी फिल्म साइन नहीं की। जाहिर है फैंस उनकी अगली फिल्म को लेकर काफी क्यूरियस होंगे ही और सभी को यकीन था कि 2 नवंबर को वो अपने बर्थडे पर अपने अगले प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट तो जरूर करेंगे, पर अफसोस ये दिन भी बीत गया और किंग खान ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। मगर सूत्रों के अनुसार बॉलीवुड के बादशाह और फिल्म मेकर अतली की अगली फिल्म सनकी का हिस्सा होंगे। पर ये क्या टाइटल सुनकर तो हम सबको हैरानी हो गई, क्योंकि ये टाइटल तो पहले से ही साजिद नाडियाडवाला ने रजिस्टर कर रखा है। जी हाँ, कहा जाता है कि किक की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने साजिद से इस टाइटल को रजिस्टर करने की सलाह की थी और हालांकि अब तक इस टाइटल पर कोई भी फिल्म नहीं बनी, रजिस्टर होने के कारण कोई भी साजिद से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए बिना इस टाइटल को यूज नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, इस कविटेड टाइटल पर 3 और प्रोड्यूसर्स भी नजर रखे हैं। कहानी में एक और ट्विस्ट ये भी है कि साजिद के स्पोक्स पर्सन ने खुद इस बात को कंफर्म भी किया और साथ ही कहा भी है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट और कास्ट ऑलरेडी प्लान्ड है और क्रिसमस के बाद साजिद की टीम इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर देगी। तो अब ये प्रोजेक्ट भी किंग खान के हाथ से निकल गया। हालांकि शाहरुख खान ने अपने बर्थडे पर अपने फैंस को प्रॉमिस किया था कि 2020 में उनकी एक धमाकेदार रिलीज जरूर होगी, मगर अब तक इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं नजर आ रही। फिलहाल बस इतना ही, मगर बॉलीवुड से जुड़ी कई और मजेदार खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कमेंट्स नीचे दिए सेक्शन में शेयर करते रहिए।